आपसे जब फसल आएगी तो आलू खरीद लेगा, किसान को बेचारा रख नहीं पाएगा, रोक नहीं पाता, शादी ब्याह करने हैं, बच्चे और बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, कपड़े बनवाना है, तो वो बेचारा जल्दी से फसल आएगी वो बेचता है। तो आपने बेच दिया, 10 व्यापारी मिलकर के खरीद लिया और उसको डंप कर दिया, और जब बाजार में कमी आई तो उसको उसने 10 गुना रेट पर बेचा। ये दूसरा कानून। पहले कोई भंडारण करता था तो उसके ऊपर मुकदमा लिखता था, SDM छापा डाल देता था। अब कानूनन काला बाजारी जायज है। और तीसरा कानून सरकार ने बनाया आपके भले के लिए। सरकार कहती है कि किसान बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी लागत बहुत खेती में आ जाती है, तो बहुत सारे किसानों को मिला करके इकट्ठा करके खेती उनकी सरकार प्राइवेट कंपनी को दे देगी 20-25 साल के लिए। आपकी से एग्रीमेंट हो जाएगा, आपकी खेती प्राइवेट को दे दी जाएगी, वो आपको खाद बेच देंगे, जो वो कहेंगे आप पैदा करेंगे। अगर वो आपसे लिखा पढ़ी के बाद वो बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो उनको मिल जाएगा, और आप लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और जब वो लोन ले लेंगे, कागज आपके लगे रहेंगे और वो नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा? हैं? और दूसरा ये कि आप बदल जाए तो जेल, और वो बदल जाए तो आप SDM से शिकायत कर सकते हैं, मुकदमा नहीं कर सकते उसके खिलाफ, खाली SDM से आप शिकायत कर सकते हैं। ये 3 कानून बनाए हैं जिसके खिलाफ किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर में कि ये काले कानून वापस करो। सही लड़ाई लड़ रहे हैं कि गलत? लेकिन आपको तो पता भी नहीं, हमको तो पता भी नहीं कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है। आज से 180 साल पहले जब महात्मा फुले हमारे और हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए लड़े तो हमारे लोग भी उनका विरोध करते थे कि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। महात्मा फुले तो उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया उसको और उसकी पत्नी को। लोगों ने कहा जो धर्म के ठेकेदार हैं कि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। हिंदू धर्म हमारा कहता है कि स्त्री सूत्र ना देता है। एक तो इसने पाप किया कि खुद पढ़ लिया, दूसरा पाप किया कि औरत को पढ़ा दिया, और तीसरा सबसे बड़ा पाप कर रहा है जो औरतों को और सूत्रों को पढ़ा रहा है। तो इसको मना करो, और अगर नहीं मानेगा तो ये तो नरक में जाएगा, तुम भी नरक में जाओ। तो माँ बाप नरक में ना जाएं, इसलिए बेटे और बहू को घर से निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया कि वो महिलाओं को और हमको पढ़ाने का काम कर रहा है। और जब वो मर गया तो हम कहते हैं कि महात्मा फुले हमारे हैं, और जब तक वो जिंदा रहे पूरी जिंदगी में आपके समाज में उसको सामाजिक बहिष्कार करते हैं। जैसा हमारा समाज जब जिंदा रहते आपके लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो वो बात समझ में नहीं आती, जब वो मर जाता है तो याद आता है कि यार वो लड़ाई हमारी लड़ रहा है। अगर जिंदा रहते वो बात समझ लेते तो शायद लड़ाई कहीं और चली जाती, लेकिन जिंदा रहते तो बात हमारी समझ में आती। इस इलाके में लोग बनारस एरिया में भगवान बुद्धा को बहुत मानते हैं, अशोका को भी बहुत मानते हैं, और बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सारी यादें में उसके कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा इतिहास बताते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धा को याद करते हैं, अशोका को याद करते हैं, चंद्रगुप्त को याद करते हैं, तो जो अशोका का 10वीं पीढ़ी का राजा था वह जब जिन लोगों ने उसको मारा उसको रोज माला पहनाते, जिसने आपके राजपाट का अंत किया पुष्यमित्र ने तो एक बार मारा था, और आप हर 5 साल में मारते हैं उसको, हर 5 साल में याद करते हैं कि हम भूल न जाए पुष्यमित्र ने हमारे वैद्य को मारा है, तो हमें याद रहना चाहिए, हमें मुंह नहीं उठाना चाहिए, हमें सर उठा के जीना नहीं चाहिए, हमें याद रहना चाहिए कि ये लोग पुष्यमित्र ने हमारे वैद्य को मार दिया है, तो हमें भी नजर दिखाते रहना है। आपको ये खून नहीं खोलता कि हमारा राजपाट गया, पुष्यमित्र ने हमारे वैद्य को मारा और ये राजपाट हमारा है, और आज राजपाट लेने के लिए तलवारें और बंदूकें नहीं चलानी है, अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो जहां अशोका था हम पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बारे में नहीं सोचते, बड़े बड़े बुद्धा की बात करते हैं, बहुत भगवान बुद्धा ने जो कहा उसको याद करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं
मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पर चकिया में बनारस में परिवर्तन होगा। जब आप इस तरह की बारिश में खड़े हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बात को समझना चाहते हैं अपने और अपने बच्चों के खातिर, इसलिए बारिश जरूर हो रही है। थोड़ी देर बात हो अभी कि ना हो, तो मुझे समझ में आता है कि जब आप ऐसी बारिश में इकट्ठा हो सकते हैं तो अगर बारिश नहीं होती तो हम कितने बड़े तादाद में यहाँ इकट्ठा हो। जो साथी हमारे नहीं आए, बारिश है नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बारिश हुई है और कुदरत से हम दूसरा दिन मांगेंगे कि ये एक दिन बारिश हुई है हम काम नहीं कर पाए तो हमारी जिंदगी का वो दूसरा दिन हमें मिलेगा नहीं। इसलिए ये जिस काम को हम आज करने जा रहे थे, इस काम को हमें आज ही पूरा करना है और इसके आगे के कदम हमें आगे बढ़ाने पड़े। तो बुद्धा को मैं कह रहा था याद करते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त को याद करते हैं, अशोका को याद करते हैं, या किसी भी महापुरुष को याद करते हैं। जब कोई महापुरुष हमारे बीच में आता है और जब तक वो जिंदा रहता है तो उसकी बातें बहुत समझ में नहीं आती, जब मर जाते हैं वो चले जाते हैं तो एक सिद्धांत बन जाता है हमारा कि यहाँ तक महात्मा बुद्ध ने कहा, ये बात कही है, अब इसमें रत्ती भर बदलाव नहीं हो सकता है। और हम सांप्रदायिक हो जाते हैं कि नहीं, बुद्धा ने ये कहा है यही सही है। अगर बुद्धा उसके बाप होते तो आगे का समय देखते और अगर उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत होती तो जरूर बदलाव करते। और जितने भी ग्रंथ हैं, शांत हो जाओ भाई, क्यों नहीं शांत होते आप लोग, ऐ लड़के जब बारिश में खड़े हो तो थोड़ा सुनो। जितने भी महापुरुषों ने जो बातें कही, या ईसा मसीह ने कही, या रविदास ने कहा, या कबीर ने कहा, या मोहम्मद ने कहा, या गुरु नानक ने कहा, या जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने कही, सारी बातें जो उन्होंने कही हैं, जो किताबों में लिखी हैं, उन किताबों को अगर पढ़ने वाला व्यक्ति के वो भाव नहीं है तो बात उन्होंने जो कही है, जो लिखी है, वो कभी समझ में नहीं आएगी। किताबों में लिखी हुई बातें वही है जैसे ये गेंदे का फूल है, फूल तो ये गेंदे का है लेकिन ये पेड़ से तोड़ दिया गया है, ये जिंदा नहीं, इसमें जान नहीं। उसी तरह जो भगवानों के, जो महापुरुषों के शब्द हैं, जो वेदों में, पुराणों में, धर्मपद में जो लिखा है, वो उसी तरह है कि शब्द तो उस भगवान के हैं, उस महापुरुष के हैं, लेकिन उसमें जान नहीं। जान वो तभी आएगी कि जिस भाव से उन्होंने कहा है और जिस भाव से वो लिखी गई है उस भाव को समझने वाला व्यक्ति, अगर उसके अंदर भाव नहीं है तो भगवान ने कहा कुछ और है लिखने।